ईरान और इसराइल में फिर क्यों बड़ी टेंशन? रूस के खिलाफ किस देश ने सेना को किया अलर्ट? ताइवान और चीन के बीच सबमरीन की लड़ाई क्यों? वैश्विक तनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर जोन विशेष। अमेरिका और ब्रिटेन से तनाव के बीच रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। श्वेत सागर में युद्ध पोत से मिसाइल दागी गई, जिसने करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साधा। अमेरिका ने रूस के मिसाइल परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। यूक्रेन और नाटो से तनाव के बीच रूसी सेना की ताकत बढ़ाने एलिगेटर आ रहे हैं। एलिगेटर यानी कि KA-52M हेलीकॉप्टर, इसे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर का जवाब माना जा रहा है। अगले साल तक रूसी सेना को 15 एलिगेटर हेलीकॉप्टर मिलेंगे। यूक्रेन को लेकर रूस और ब्रिटेन में युद्ध की आशंका हर दिन के साथ बढ़ रही है। ब्रिटेन ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। वहीं नाटो ने भी रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ सेना का इस्तेमाल की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। यूनाइटेड किंगडम ने रूस के स्पेस टेस्ट पर सवाल उठाए हैं। यूके स्पेस एजेंसी के हेड डॉक्टर बेट्स ने रूस को गैर जिम्मेदार देश कहा है। डॉक्टर पॉल के मुताबिक अंतरिक्ष में रूसी मिसाइल के टेस्ट से कई देशों के स्पेस प्रोग्राम खतरे में हैं। चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान सबमरीन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। जानकारों के मुताबिक सबमरीन बनाने में ताइवान की मदद 7 देश कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। ताइवान के समुद्री इलाके में चीन के सबमरीन गश्त लगाते नजर आए, ये दावा यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट ने किया। HIS Saturn ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें ड्रैगन की सबमरीन दिख रही है। इससे पहले चाइनीज प्लेन ताइवान के एयर स्पेस में भी घुसपैठ करते दिखे। अफगानिस्तान में तालिबान के चेहरे से नकाब हट रहा है। खबरों के मुताबिक सत्ता हासिल करने के बाद से अब तक तालिबान ने 100 से ज्यादा पूर्व पुलिस कर्मियों और खुफिया अधिकारियों को या तो मौत के घाट उतार दिया या गायब कर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर बम धमाके से गूंजा। दारुल अमन इलाके में एक स्कूल के पास सड़क किनारे रखे बम में धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम 5 लोग घायल हो गए। ईरान और इसराइल के बीच धमकियों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले की धमकी दी तो ईरान ने कहा इसराइल पहले खुद की क्षमता देखे। ईरान ने इसराइल के परमाणु हथियार बनाने में अमेरिका की मदद पर भी सवाल उठाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।